हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन डिटेल को कवर करेंगे जो कि निकल के आई है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। उससे पहले जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पे जो पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपना सब्जेक्ट मेंशन जरूर करिएगा कि आपको पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की अपडेट किस सब्जेक्ट से चाहिए, ताकि आगे मैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आ सकूं अपडेट रिगार्डिंग। तो विजिट करते हैं हम वेबसाइट पे। ये पूनिया यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन ये है 28/9/2024 को आउट हुआ है, बहुत ही कम समय मिला है इसको अप्लाई करने का। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगी तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो 28 सितंबर 2024 से लेके 6 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तो बहुत ही कम समय दिया है, विद इन 1 वीक दिया है पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर इस यूनिवर्सिटी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, जिसमें हिंदी में देखिए 15 सीट हैं और सबसे ज़्यादा सीट अगर देखेंगे तो हिंदी में ही आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ इंग्लिश में। तो हिंदी में इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, फिलोसफी, पर्शियन, मैथिली, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स। तो टोटल 104 पोस्ट रहने वाली हैं, सॉरी चार सीट हैं, 104 सीट हैं, जिसमें कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे फैकल्टी हैं। और इसमें वैकेंट सीट मेंशन कर रखी हैं और सब्जेक्ट आपके सामने ही देखने को मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 55% मार्क्स चाहिए आपके पीजी में। उसके साथ ही अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं उन शेड्यूल कास्ट से हैं, जैसे SC ST EBC OBC डिफरेंटली एबल कैटेगरी के, उनको 5% का छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एग्जेम्प्ट रहेंगे, जिन्होंने UGC नेट, CSR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICMR, ICAR, DST, ये सारे जिन्होंने कर रखे हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी, 6 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। और उसके बाद एंट्रेंस जो फीस लगेगी जनरल OBC EWS EBS के लिए 1000 रुपये रहेगी, SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपने पेमेंट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देखिए, PhD का अगर होगा तो इस दो पेपर होंगे 100 मार्क्स के ईच, दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे। तो पहले पेपर में जो आपका चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना होके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ पूनिया यूनिवर्सिटी से होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन किया जाएगा और उसके जो मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद यहाँ पे जर्नल कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल रहने वाला है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आपका 27 अक्टूबर 2024 संडे को रहेगा। पेपर वन का जो टाइमिंग रहेगा 11 बजे से 12 बजे तक दोपहर का, और पेपर टू का रहेगा टाइमिंग 2 बजे से 4 बजे तक का। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर रहेगा आपका वहीं पे रहने वाला है पूनिया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वेटेज दे रखी है, किस किस मास्टर डिग्री में परसेंटेज मार्क्स इन मास्टर डिग्री में वेटेज दे रखी है। इसी की तरह नीचे बेटा उधर गिर जाओगे, उधर जाओ, भगवान
तो ये 5 पेज का ये नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहें तो इसको तसल्ली से बैठ के देख सकते हैं, मतलब अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इसी तरह की अपडेट देती रहूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर PhD अपडेट देती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।